में लॉकडाउन के बीच सुबह 8 से 4 बजे तक सैलून दुकानों और ब्यूटी पार्लरों को खोलने की अनुमति मिली है। बाकी सभी के लिए दिन में 10 बजे के बाद से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सैलून व्यवसाय मंगलवार को बंद किए जाएंगे। सैलून दुकान संचालकों का कहना है कि सुबह से दुकान खोली है लेकिन कोई भी कस्टमर अब तक नहीं आया है। अपने अपने ग्राहकों को ये जानकारी भी दी थी कि रविवार के दिन भी सैलून को खोला जाएगा लेकिन कस्टमर्स नहीं आए हैं। आज रविवार है तो हो सकता है कि देर से आए। वहीं कुछ दुकानों के कस्टमर सेवाएं लेते हुए नजर आए। 10 बजे से लॉकडाउन लागू है, ऐसे में ग्राहकों को निकलने पर भी रोक लगी थी। रविवार में जहां पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, तमाम बाजार जो है वो बंद किए गए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने सैलून दुकानों को रविवार के दिन खोलने का फैसला लिया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम राजधानी के एक सैलून दुकान में मौजूद है, जहाँ पर ये सैलून जो है वो खुले हुए हैं। यहाँ पर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर की जो आवाज आई है वो काफी नहीं के बराबर नजर आ रही है। हम सैलून दुकान संचालकों से पूछना चाहेंगे कि आज रविवार है, आज के दिन जो है संपूर्ण लॉकडाउन है, तो वहीं सैलून दुकानों को खोला गया। कस्टमर्स की बात करें तो अभी तक कितने ग्राहकों की आना जाना जो है वो यहाँ पर हुआ? अभी कोई भी कस्टमर नहीं आया। आज संडे है, लॉकडाउन है, इस वजह से शायद कस्टमर नहीं आ रहे। हाँ, हो सकता है, और लेट से भी आने की कोशिश करते हैं लोग अभी आज संडे के दिन। आपने जानकारी दी थी कि ये पार्लर खुला हुआ है या सैलून खुला हुआ है? हाँ, दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने जानकारी भी दी थी कि आज जो है पार्लर खुले रहेंगे, सैलून खुले रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर्स की आवाजाही यहाँ पर नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो है आम जनता जागरूक हो रही है, और आप देख सकते हैं कि पार्लर में जो है अभी तक कोई भी कस्टमर नहीं पहुँचा है। तो ये देखने वाली बात है कि अब जो है आज संडे है तो कितने कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं और किस तरह का यहाँ पर पार्लर का जो संचालन है वो हो पाता है। कैमरामैन विक्रांत देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, सरादेश। खबर पेंड्रा से जाकर।